फैमिली, वेलकम बैक टू दी माई चैनल। आप लोगों को मैंने जो लेवल निकाल के दिए थे निफ्टी में, देखिए कैसे वर्क करे हैं वो। पहले मैं ये इंडिकेटर हटा देता हूँ। पेशेंस बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। ये रही 1 तारीख। देखिए ये मूवमेंट हमारे यहाँ सुबह निकल गया था, क्योंकि सुबह मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, सुबह की मैंने ट्रेडिंग बंद कर रखी है। उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा, ये जो लेवल आपको दिख रहा है तकरीबन 11 बजे से लेके और 13 जो लिखे आ रहे हैं 13 बजे तक का, ये लेवल आपको दिख रहा है यहाँ तक एक अच्छा खासा कंसोल दिया। उसके बाद ये यहाँ पे है ना, एक पहले यहाँ से मार्केट ने बैक दिया, जहाँ मैंने आपको बताया था कि एक बाउंस बैक कैंडल आई है। इस कैंडल के बाद मार्केट ने बैक एक बाई साइड की मूवमेंट दी, फिर एक रीटेस्ट पर देखिए फिर एक बाउंस बैक कैंडल बनी, और उसके बाद एक इनसाइड कैंडल भी थी। उसके बाद सीधा इसने डे हाई तोड़ दिया। डे हाई तोड़ने के बाद फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोल करा, और यहाँ के मैंने तब तक मैं उठ चुका था क्योंकि मेरा प्रॉफिट हो चुका था, वरना मैं यहाँ पे भी बैठता तो फिर प्रॉफिट ले सकता था, क्योंकि मुझे पता था ये यहाँ पे कंसोल करके जहाँ की साइड है ब्रेकआउट देगा उस साइड हम लोग इसे बाई कर सकते हैं। और देखिए मुझे पूरा आज यकीन था कि 640 तक का, देखिए मैंने पहले से ही आपको दिखा रखा था कि ये यहाँ का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस तक ये पहुँचा, रेजिस्टेंस भी तोड़ के इसने अच्छी खासी एक मूवमेंट दी है निफ्टी ने। यहाँ पे एक अपना बैंक निफ्टी का मैं आपको लेवल दिखा दूँ, बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छी खासी बुलिश मोमेंट दी है। देखिए जो लेवल मैंने आपको बताए थे वो सारे लेवल काम करे हैं, छोटा छोटा प्रॉफिट कमाइए, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट कमा के पैसे को इकट्ठा कीजिए, फिर जाके कहीं बड़ी ट्रेड लेना शुरू करेंगे। आज का मैं प्रॉफिट दिखा दूँ, मैंने एंजल ब्रोकिंग में ना ट्रेड ली थी, देखिए छोटे छोटे पर मैंने प्रॉफिट इकट्ठे किए हैं। उसके बाद ये बड़े मूवमेंट मेरे हाथ में आ नहीं पाए थे क्योंकि मैं वीडियो भी बना रहा था, साथ में मूवी भी देख रहा था, मेरा ध्यान थोड़ा नहीं था आज ट्रेडिंग पर, इसलिए मैंने छोटे छोटे प्रॉफिट करके ये आज देखिए ये छोटे प्रॉफिट। मत देखिए आप ये देखिए कि मैं चीज़ों को सीख रहा हूँ, मुझे रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे ही आप भी छोटे छोटे प्रॉफिट आकर रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलिए। जब मैं ऑप्शन से ही पैसा इतना इकट्ठा कर लूँगा कि मैं ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग इसी पैसे से करनी है, तब जाके मैं बड़े प्रॉफिट्स और बड़े टारगेट के लिए होल्ड कर सकता हूँ। क्योंकि ये पैसा जाएगा तो थोड़ा डर कम लगेगा, और जेब से पैसा जाएगा तो उसमें डर ज़्यादा लगता है। तो आप चीज़ों को समझिए, उसके बाद ही ट्रेड लीजिए, थोड़ा थोड़ा पैसा करके पैसों को इकट्ठा कीजिए। सीखने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है, पैसा इकट्ठा हो जाता है उसी चीज़ से, तब जो कॉन्फिडेंस आता है उसकी बात ही अलग होती है। ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी ही मैं कोई आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी वीडियो दूंगा इंट्राडे के लिए। ओके, बाय बाय।